ये श्रद्धांजलि समारोह मना रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग आज दरभंगा के पावन स्थल कर्पूरी चौक पर 2 अप्रैल 2018 के संपूर्ण भारत बंदी में शहीद हुए अंबेडकरवादी भाइयों के सम्मान में विनम्र श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहां किए हैं और आज उनको हम लोग अंबेडकर क्लब दरभंगा की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके सम्मान को सलाम करते हैं, उनको याद करते हुए हम लोग संकल्प लेते हैं कि आपकी शहादत बेकार हम लोग नहीं होने देंगे। आने वाले दिनों में भी अगर दलितों पर कोई अत्याचार जुल्म होगा तो आपको याद करके हम लोग उस लड़ाई को और तेज़ी से लड़ेंगे। बलराम राम, अध्यक्ष अंबेडकर क्लब दरभंगा। 2018 को ऐसी एक्ट के खिलाफ पूरे भारत बंद के दौरान हमारे वीर सैनिकों ने 13 वीर सैनिकों ने शहादत दी, उसके उपलक्ष्य में आज उन्हीं के याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और हमें उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। क्या नाम हुआ? मोहन पासवान। 18 को भारत सरकार के द्वारा जो SC ST एक्ट हटाया जा रहा था उसके विरोध में तमाम अंबेडकरवादी विचारधारा SC ST के लोगों ने 2 अप्रैल को भारत बंद किया था, जिसमें मनवादी विचारधाराओं के द्वारा हमारे अंबेडकरवादी साथी जो भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे उनके द्वारा उनको कुचला गया, रौंदा गया। हमारे अंबेडकरवादी विचारधारा के साथी SC ST के लोग शहीद हुए, उनकी शहादत को आज हम लोग एक शोक सभा के तौर पर मना रहे हैं और हमेशा जब भी कोई भी SC ST एक्ट आरक्षण के खिलाफ जब भी कोई लड़ाई होगी तो उन शहादत को हम लोग याद करके उसी तरह हम लोग आगे की लड़ाई भी करेंगे। संतोष कुमार पासवान, उपाध्यक्ष अंबेडकर क्लब दरभंगा। 18 को तमाम भारत में हम SC ST भाइयों और बहनों मिलकर SC ST के खिलाफ उस आंदोलन को SC ST के संविधान में उसके जो हक है उन हक को छीनने जा रहा था, जिसके खिलाफ पूरे भारत में हम लोग बंदी का कार्यक्रम रखे जिसमें हमारे 11 SC ST साथी शहीद हुए। मैं उन सभी वीर शहीद भाइयों को नमन करता हूँ, प्रत्येक साल इसी तरह हम उनको नमन कर जीवन भर नमन करते रहेंगे। SC ST के खिलाफ जब भी कोई ज़रूरत हो, SC ST हमारे SC ST समाज के प्रति जब भी कोई जरूरत पड़े हम लोग कदम कदम मिलाकर सब SC ST भाई मिलकर उस आंदोलन को लड़ने का काम करेंगे। संविधान को जो बदलने जा रही है उसको बदलने नहीं देंगे। जय भीम। रंजन कुमार पासवान।